मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे डोंबिवली के संदप गांव में रहने वाले ग्रामीणों के मुताबिक गांव के ही एक गायकवाड़ परिवार के 5 सदस्यों की तालाब में डूबने की वजह से मौत हो गई बताया जा रहा है। एक बच्चा डूब रहा था जिसे एक एक कर ये सभी परिवार के लोग बचाने गए और पाँचों अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि इस गाँव में गर्मी के कारण पानी की काफ़ी किल्लत चल रही है और खबर है कि परिवार के लोग तालाब में कपड़े धोने गए थे। जिस समय महिलाएं कपड़े धो रही थीं तभी उनके साथ मौजूद एक बच्चा तालाब में डूबने लगा, जिसके बाद उसे बचाने के लिए एक एक कर पानी में परिवार के सभी सदस्य कूद पड़े। इसके बाद पांचों लोग डूब गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि एक महिला और उसकी बहू तालाब के पास कपड़े धो रहे थे, वहीं महिला के 3 पोते पोतियों में से एक बच्चा डूबने लगा और वहां पर मौजूद परिवार के अन्य 4 सदस्यों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये सभी लोग तालाब में डूब गए। देर रात सभी के शव तालाब से बाहर निकाले गए हैं। मृतक के नाम है अपेक्षा गौरव गायकवाड़ 30 वर्षीय, मीरा सुरेश गायकवाड़ 55 वर्षीय, मयूरेश मनीष गायकवाड़ 15 वर्षीय, मोक्ष मनीष गायकवाड़ 13 वर्षीय, सिद्धेश कैलाश गायकवाड़ 15 वर्षीय है। मगर पूरी तरह से यह भी साफ नहीं हो पाया है कि क्या बच्चा फिसल कर तालाब में गिर गया था और उसे बचाने के लिए सभी लोग गए और डूब गए, या फिर बच्चा तालाब में नहा रहा था और यह हादसा हो गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस घटना के बाद संदप गांव में सनसनी का माहौल छाया हुआ है। वहाँ मौजूद गाँव के रहवासी इस घटना पर कई तरह के अलग अलग कयास लगा रहे हैं, साथ ही प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर पानी की किल्लत उनके गांव में नहीं होती तो ये गायकवाड़ परिवार खदान में नहीं जाता और आज वो परिवार जिंदा होता। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में ग्रामीणों से भी पूछताछ कर रही है। मैसेज आला कि या तलावामध्ये काही लोक बुडालेले आहेत, सगळे खात्री करता आम्ही त्या 5 बॉडी फायर ब्रिगेडच्या ह्याने काढलेले आहेत आणि ते हॉस्पिटलला पाठवलेले आहेत। एकंदर चौकशीवरून असं वाटतं की कोणतरी त्यातला एक पडला असावा आणि त्याच्यातून त्याला वाचवताना हा प्रकार झाला असावा आणि सगळे त्या तलावात बुडले असावेत।